हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग हैं मथुरा के अंदर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग आगरा में थे, सो आज मॉर्निंग में ही मैं मथुरा आया हूँ। यहाँ पे फ्रेशन अप हुआ, अपना सामान वगैरह रखा, अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बट अंदर आप लोग को नहीं ले जा सकता, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। डू कम, डू विजिट कृष्ण भगवान के मंदिर, बहुत अच्छा है। सो चलते हैं और फिर देखते हैं, आने के बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसा लगता है। ऑल्सो यहाँ की स्टोरी ये है कि मथुरा जो प्लेस है, जो मथुरा का मंदिर है, ये किसी ज़माने में जेल हुआ करता था जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, वो उन्हें मारना चाहते थे। सो इसलिए उनके जो पिता थे, उन्होंने उन्हें बास्केट में रख के यमुना पार जा के गोकुल में छोड़ा था। एंड बाकी जो भी स्टोरीज मुझे मालूम पड़ती है वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। बाकी जगह बहुत अच्छी है मथुरा में। एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी जगह है, दूध से रिलेटेड कोई भी जगह हो सब बेस्ट जगह है। सुबह से मैं आया हुआ हूँ, पहले मैं यहाँ पे जगह को समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, एंड सोचा कि शाम से निकलूंगा, तो अभी मैं निकला हूँ मंदिर के लिए। कल हम जाएंगे वृंदावन एंड गोकुल की तरफ। सो अभी हम चलते हैं मथुरा मंदिर में, एंड कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस वो मैं आपको आके बताऊंगा। सो लेट्स गो। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे जो कि अपने को सब्सक्राइब करने वाले हैं, सो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने वाला है। एंड फाइनली अपना दर्शन हो गए हैं, सो काफ़ी अच्छा रहा, पता भी नहीं चला, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो इजीली दर्शन हो गए। अंदर कैमरा नहीं ले जा पाया, इस बात का मुझे काफ़ी गम है, आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा। बट अभी जा रहा हूँ मैं डिनर करने के लिए, एंड बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं सुबह से। सुबह निकलेंगे हम वृंदावन की तरफ और गोकुल की तरफ, सो वहाँ से कंटिन्यू होगा आगे का व्लॉग। सो मिलते हैं देन अर्ली मॉर्निंग। अभी जाता हूँ, चेंज करता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, कुछ डिनर करूँगा, एंड मिलते हैं फिर अपन लोग सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग मथुरा से सुबह निकल गए थे और अभी हम जा रहे हैं गोकुल की तरफ। गोकुल बेसिकली वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान को उनके पिताजी टोकरी में रख के लेके आए थे। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल का फूला द्वारिका और फिर लगा बद्रीनाथ। कलयुग में हर बेटा स्वर्ण कुमार नहीं बन सका जो अपने माता पिता को तीर्थ कराए। तो ऐसा बोलते हैं कि द्वापर में भगवान ने गोकुल को इसलिए बसाया जो एक धाम करने से माता पिता को चारों धाम की यात्रा करने का फल मिले। ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा है, वहाँ भात का भोग लगता है। बद्रीनाथ ने अर्जुन के साथ तपस्या की है, वहाँ चना की दाल का भोग लगता है। ये द्वारिका है जहाँ भगवान ने राज्य किया है, सोनी की द्वारिका बसाई थी, पंचमेवा का भोग लगता है। और यहाँ कृष्ण बलराम ने लूट के माखन खाया है, यहाँ माखन का भोग लगता है। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। राधे 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 राधे। ऐसे वाले लोग तो तीर्थ में जाके अपने माता पिता के नाम से मंदिर धर्मशाला बनवाते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते हैं। ये मन मंदिर है, ये आदि किलो का भोग बोला जाता है। यहाँ भजन से भोग लगते हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग आते हैं वो 50,000 का भुगतान कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का नियम है, यहाँ भजन से भोग लगते हैं, पाव का, आधी किलो का, एक किलो का और सवा किलो का। ये आधी किलो का भोग है जो पूरे परिवार का नाम ब्रज में वास करता है। चलेंगे गोकुल धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता परिवार का नाम। एक पाव का जो भोग है वो अपने नाम से एक साल की गौ सेवा है गोकुल भूमि में। आधा किलो का है मंगल भोग, मंगलमुखी और सदा सुखी। एक किलो का जो राजभोग है उसमें यहाँ गौदान होता है, घर में गौदान करते हैं, 25,000-50,000 रुपया का खर्चा आता है। यहाँ जो एक किलो का भगवान का भोग लगता है तो माता पिता सात पीढ़ी कल्याण के लिए एक गौदान किया जाता है। यहाँ की छोटी गलियाँ पुराने टाइम की याद दिलाती है। करते हैं
2800 वर्ष पहले मूर्ति जमीन में से निकाली है। राधा कृष्ण सीताराम आपको जोड़े से सब जगह मिलेंगे। बलराम और रेवती का जोड़ा गोकुल के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। बोलो बलराम महाराज की। तो लठमार होली होती है वो किधर होती है? लठमार होली होती है बरसाने में और छड़ीमार होली होती है गोकुल में। यहाँ जो भगवान का रूप है ना वो बच्चे का है, तो यहाँ छड़ियों से खेलते हैं। और बरसाना में भगवान कृष्ण है, राधा रानी का गांव है, तो वहाँ लट्ठों से खेलते हैं। वहाँ लट्ठों से लेडीज जेंट्सों को मारती है। तो क्या माना जाता है वो? तो देवर भागी का वो है। एकदम बढ़िया दर्शन हो गए, चकाचक आनंद हो गए। सो गाइस ये था गोकुल। एंड यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी कि यहाँ पे किसी के भी घर में या किसी गांव में लहसुन प्याज ऐसी कोई भी चीज़ मिलती नहीं है, कोई खाता नहीं है। डेली लाइफ में लहसुन नहीं रहता, उनकी डेली लाइफ में प्याज नहीं रहता, बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, जिसे हम सात्विक फूड बोलते हैं, जिसमें लहसुन नहीं रहता, प्याज नहीं रहता, वो खाना यहाँ पे पूरा गाँव खाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, पूरे गाँव में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता। तो गाइस ये है बिरला मंदिर। मेरे भाई की नौकरी लग जाए हमारी फैमिली हैप्पी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, अपने दिल की इच्छाएं जो है लोगों ने दीवारों पे लिख दी है, पता नहीं क्यों। गवर्नमेंट जॉब गाइस इसको शीश महल बोला जाता है, पूरा कांच का बना हुआ है ये, दिखाता हूँ आप लोग को, सब चीज कांच की है। लेट्स गो, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। मंदिर के अलावा ज्यादा चीजें हैं नहीं, बट चलो देखते हैं। थोड़ा सा और चार्ज नहीं होगा क्योंकि फिर भी जाती है यहाँ से। हाँ जी चलो। ये है वृंदावन की तंग गलियाँ। अभी गेट खुले नहीं है, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग, गेट खुलेंगे फिर अंदर जाएंगे। ओए ओए क्या बात है। सारी हैंडमेड है ये कि प्रिंटेड है? ये वाली प्रिंटेड है और वाली हैंडमेड है। तो गाइस ये था बांके बिहारी का मंदिर, जिसके दर्शन अभी हो गए काफ़ी अच्छे से। बट यहाँ की एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती, काफ़ी कमर्शियल कर रखा है इन लोगों ने, 100 रुपये लेके डायरेक्ट एंट्री करवा दी। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो आपको लाइन में रुकना पड़ेगा एंड काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 100 रुपये पे करते हो तो आपको इंस्टेंट एंट्री करवा देते हैं। गाइस ये है इस्कॉन टेंपल वृंदावन। Thank you.
बेसिकली इसमें भगवान श्री कृष्ण की लाइफ का बताया है, वृंदावन में, गोकुल में, और क्या लीलाएं करी उन्होंने, ये सब उसके बारे में बताया हुआ है। अच्छा है ये मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। गोवर्धन पर्वत का सीन, ये था प्रेम मंदिर। तो इसी के साथ मैं अपने ब्रिज वाले व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, मथुरा, गोकुल एंड वृंदावन। मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, ट्रैवल करते रहो एंड मिलते हैं जल्दी, बाय।